हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये दिल्ली मेट्रो की ड्राइंग में एक वन पॉइंट से स्टार्ट करूँगा। चलिए हम ये वन पॉइंट ले लेते हैं, इसी से हमारी पूरी ड्राइंग कंप्लीट होगी। आप केयरफुली देखते रहिए। फ्रेंड्स, ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बहुत ईजी होने वाला है, तो आपको ये वन पॉइंट का साथ नहीं छोड़ना। लास्ट तक, आखिरी ड्राइंग तक आपको वन पॉइंट का साथ नहीं छोड़ना है। सो फ्रंट वाली लाइन जो है हमारी, आगे वाली लाइन को ड्रॉ करने से पहले पिक्चर को हम अच्छे से समझ लें, फ़ोटो को अच्छे से देखें, कहाँ पर हमारे विंडो आनी है, कितनी मेज़रमेंट में विंडो आनी चाहिए और बॉर्डर कहाँ आ रहा है हमारा, इसको अच्छे से समझते हुए लाइनों को ड्रॉ करें। और बैक साइड वाली जो पॉइंट है उससे हम आगे तक लेकर आएँ। ये हमारी लाइन मेट्रो के हिसाब से कंप्लीट है। अब हम फ्रंट वाला स्केल देखते हैं, फ्रंट वाला किस टाइप से हमें ड्रॉ करना है। इसका शेप और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। और अब हम इसकी ये हेडलाइट ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर लगाकर इसकी हेडलाइट को मैं क्लियर कर लेता हूँ। मान लीजिए हम ये सेंटर में खड़े हुए हैं, तो हमें जो हमारे सामने की हेडलाइट आ रही है, ये राइट साइड वाली जो साइड वाली हेडलाइट है उससे थोड़ी बड़ी रहनी चाहिए, जिससे हमें एक 3D लुक दिखे। आपको पूरी ड्राइंग पर ख़ास तौर से बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए ड्रॉ करना है। ये हमारा अभी हम इसके विंडो और जो डोर्स हैं उसके लिए हम साइज़ निकाल रहे हैं। जो हम इस साइड से हम जो शुरू कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ से हमें बड़ा दिखेंगे। फर्स्ट डोर की चौड़ाई हमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। जितना हम बैक साइड में जाएंगे उतनी ही चौड़ाई गैप कम करते चले जाएंगे। चलिए, इस ट्रेन का हमारा फर्स्ट कोच फ्रंट वाला डब्बा ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये ऊपर के जो इनके बॉक्सेस हैं वो आगे तक स्मॉल बनते चले जाएंगे। और ये फ्रंट पे जो हमारा ये एक लोगो है मेट्रो का, ये हल्का ओवल, फुल कंप्लीट राउंड में नहीं बनाना, एक थोड़ी ओवल की शेप देनी है इसमें। तकरीबन हमारी ट्रेन की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पूरा स्टेशन ड्रॉ करेंगे। उसी बैक पॉइंट से हम पूरे स्टेशन को उसी की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे। अपने बैक पॉइंट से जितनी भी लाइंस आगे की तरफ हम लाएंगे उतनी उनकी लाइंस को हम खोलते चले जाएंगे। राउंड शेप में स्टेशन की लाइंस को भी हम आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। जो मैंने इसमें कलर्स यूज़ करे हैं वो परिज्मा के 72 शेड्स यूज़ किए हैं। मोस्टली जो यूज़ करने हैं मुझे PC 1060, 1051, 1056, 1065, 935, 938। चलिए हम फर्स्ट में लेते हैं इसमें PC 1060। मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। हल्का इरेज करने से ये बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमारी जो कलर्स पेंसिलें हैं नीचे की हमारी ग्रेफाइट पेंसिल की लाइंस नज़र नहीं आएंगी। तो फर्स्ट में मैं यही पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ PC 1060। थोड़ी डार्कनेस के लिए PC 1056 यूज़ करते हैं। ध्यान रखें थोड़ा शेडिंग को आप पॉइंट करते हुए चलें, कहाँ हमारी शेड आनी है, कहाँ हमारा डार्क आना है। ब्लेंडिंग के लिए बार बार लाइट पेंसिल का यूज़ करते रहें। ट्रेन का फ्रंट हमें लाइट दिखाना है और ट्रेन की ये साइड्स हमें जो साइड है ये हमें थोड़ी डार्क दिखानी है। इसके लिए मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो है PC 1051 जो हमारी थोड़ी डार्क है पहले वाली से। ऊपर के टॉप पर थोड़ी शाइनिंग दिखाने के लिए मैंने वाइट कलर की जो पेंसिल है PC 938 यूज़ करता हूँ। इस वाइट पेंसिल से ब्लेंडिंग भी अच्छी होती है और इससे शाइनिंग भी अच्छी आती है। बार बार हमें फर्स्ट वाली पेंसिल का भी यूज़ करते रहना है ब्लेंडिंग की सपोर्ट के लिए। चलिए अब मेट्रो के फ्रंट ग्लास पर काम करते हैं। ये मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक कलर की PC 935 नंबर है इसका। जहाँ हमें लाइट कलर लेना है वहाँ हम छोड़ते चलेंगे, उस एरिया को हम छोड़ देंगे, उस पर ब्लैक कलर नहीं करेंगे। ये डार्क ग्रे कलर की पेंसिल है, इसका नंबर 1056। ये पेंसिल 1065 नंबर है, ये उससे थोड़ी और डार्क है। ये देखिए फ्रंट ग्लास की शेडो शेड कंप्लीट होने के बाद अब इसमें थोड़ा शाइनिंग देंगे तो ये बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक दिखने लगेगा। ये वाइट कलर की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 938 नंबर है इसका। यहाँ भी कहीं कहीं मैंने छोटा सा पोर्शन छोड़ा है जिसमें मैं स्काई ब्लू कलर यूज़ करूँगा। अब इसकी हेडलाइट पे काम करते हैं। चलिए इसे जूम करके देखते हैं। इसमें मैंने ब्लैक पेंसिल डार्क और डार्क ग्रे कलर की पेंसिल यूज़ की है जिसमें काफ़ी अच्छे से उभार आने वाला है। ब्लेंडिंग का खास करके ध्यान रखते जाइए आप। मेट्रो के जो सामने वाला हिस्सा है उसमें हमने जो पेंसिल यूज़ की थी 1060, अभी सेकंड पेंसिल और यूज़ करनी है जो थोड़ी डार्क है 1051। क्योंकि नीचे का गोल राउंड में हमारी मेट्रो का फ्रंट वाला पोर्शन है तो नीचे से थोड़ा डार्क जाएगा, ऊपर को लाइट। दोनों पेंसिल्स को हम अच्छे से ब्लेंडिंग कर देंगे और जिससे हमारा नीचे वाला पोर्शन हल्का सा राउंड नज़र आने लगेगा। ओके फ्रेंड, ये मैं अब दोबारा से लाइट कलर की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 1060 वाली, क्योंकि ये साइड मुझे ऊपर उठी हुई नज़र दिखानी है आप लोगों को, और जो साइड नीचे को डाउन जानी है वहाँ पर आप डार्क कलर की पेंसिल यूज़ करेंगे 1051, जो थोड़ी डार्क है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पोर्शन हमारा काफ़ी उठा हुआ दिख रहा है। चलिए सेम टेक्निक पूरे फ्रंट वाले हिस्से पर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो ये स्केच किया हुआ है ग्राफिक पेंसिल से, इसको हमें बीच बीच में इरेज करना पड़ेगा क्योंकि कहीं हमें लाइट पेंसिल यूज़ करनी है तो नीचे से नज़र आती है। ये डार्क ग्रे कलर की पेंसिल है जो मैं शेडो के लिए यूज़ कर रहा हूँ। साथ में लाइट ग्रे कलर की पेंसिल से ब्लेंडिंग करता चलूँगा इसे। ब्लैक कलर के परमानेंट मार्कर से हम इसको बेस बना लेते हैं एक। इससे थोड़ा जल्दी भी होता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। हेडलाइट में नीचे का बेस लाइट रेड कलर लेने के बाद ये डार्क चेरी कलर है, इससे थोड़ा अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद थोड़ा रियलिस्टिक दिखेगा। जहाँ हमें शेडो देनी है वहाँ थोड़ा सा डार्क करेंगे और ब्लैक कलर का भी यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, ये जेली रोल पेन है, ये काफ़ी हाईलाइट होता है। ये देखिए, फ्रेंड्स ये जेली रोल पेन है जो येलो कलर का है, इससे मैंने डॉट डॉट लगाए जिससे हमें नन्हे बल्ब की शक्ल मिल सके। फ्रंट हमारा कंप्लीट होने के बाद अब हम इसकी साइड देख लेते हैं। साइड पे जो ये पट्टी लगी हुई है बॉर्डर, इसको हम डार्क ग्रे कलर से आगे तक लेके जाएंगे। बीच बीच में लाइट ग्रे कलर की ब्लेंडिंग करते चलेंगे। डार्क करने के बाद लाइट ग्रे कलर से हम इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे जिससे हमारा काफ़ी स्मूथ दिखे ये। चलिए अब मेट्रो का हैंडल बना लेते हैं और आउटलाइन हम इसकी डार्क करेंगे और बीच में हम इसको वाइट कलर देंगे जिससे हमारा एसएस यानी स्टील जैसा लगे। वाइट पेंसिल से ही हमारा हैंडल हाईलाइट दिखेगा और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा। और हाईलाइट के लिए जेली रोल पेन से लाइन खींच देंगे। ब्लू कलर की पट्टी के बाद जो हमारी साइड है उसको हम थोड़ा डार्क लेते हुए चलेंगे। जहां हमें ये दिख रहा है ये हमारी साइड है, उन्हें डार्क करेंगे। अभी ये हम ग्लास की शेप को कंप्लीट करते हैं। में भी कहीं कहीं पे हमें लाइट एरिया छोड़ना है। मेट्रो के डोर जो होते हैं वो बाहर से होते हैं ओवरलैप, ये दिखाने के लिए हमें भी हमारे डोर आएंगे वहाँ पर हम साइड को डार्क लेकर चलेंगे और थोड़ा डार्क पेंसिल से शेडो का भी ध्यान करते चलना है। ब्लू कलर की पट्टी को हम ब्लू कलर वाला जो बॉर्डर है, हम जहाँ पर हमारे डोर आना है स्लाइडर डोर, उस पर हम इस पट्टी को थोड़ा आगे की तरफ दिखाने के लिए थोड़ा हल्का सा डाउन लेके चलेंगे। फ्रेंड्स आप लोगों को इस ड्राइंग में ब्लेंडिंग और शेडो शाइनिंग का ध्यान रखना होगा। मेट्रो का बैक साइड का एरिया लाइट कर देते हैं। हमें ऐसा लगे स्टेशन के बैक साइड, स्टेशन के बाहर के साइड में रोशनी है काफ़ी, तो वो लाइट हमारी ट्रेन पर आनी चाहिए। फ्रेंड्स ब्लू कलर के बॉर्डर को एक ही डायरेक्शन में नहीं करना है, जहां हमारे डोर आ रहे हैं वहां पर हमें हल्का सा नीचे लेना है और जो बैक साइड का एरिया है इस पट्टी का, उसको हल्का सा अप लेना है। ट्रेन कंप्लीट होने के बाद अपने परमानेंट मार्कर से, ब्लैक कलर का मार्कर है, इससे हम इसका बेस बना लेंगे। स्टेशन का जो शेड है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो हमारे पास वाले जो बीम दिख रहे हैं उनको हम थोड़े बड़े करेंगे और जितना बैक साइड में जाते रहेंगे उतना स्मॉल बनाते चले जाएंगे इनको। ये पास वाली लाइन है तो इनको थोड़ा क्लियर लेके चलना। इनके लिए उभार के लिए फ्रंट में हम लाइट करेंगे और अंदर की लाइन को हम ब्लैक कलर से डार्क कर देंगे। ये डॉम्स के ऑयल पेस्टल हैं, वाइट और लाइट ग्रे कलर। फर्श पर जहां हमें ज़्यादा शाइनिंग दिखानी है वहां पर वाइट पेस्टल का यूज़ करते रहेंगे। येलो पट्टी भी फ्रेंड हम पीछे वाला जो हमने पॉइंट लिया था वहीं से हम आगे लेकर आएंगे। स्टेशन के बाहर की ग्रीनरी दिखाने के लिए मैं ये पेस्टल कलर यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी ड्राइंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।